कविता के बहाने हिंदी आरओ, जो कि क्लास 11 12th हिंदी आरओ नामक पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ है कविता के बहाने। कविता के बहाने यह जो पाठ है इसमें हम उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान देंगे। तो प्रस्तुत कविता में कवित्व शक्ति का वर्णन है। कौन सी शक्ति? कवित्व शक्ति। कविता चिड़िया की उड़ान की तरह कल्पना की उड़ान है, अर्थात कविता जब करनी होती है तो उसके लिए कल्पना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार से एक चिड़िया की जो उड़ान है वह भी एक कल्पना की तरह होती है, लेकिन चिड़िया के उड़ने की अपनी सीमा है, जबकि कवि अपनी कल्पना के पंख पसार कर देश और काल की सीमाओं से परे या उससे भी ज़्यादा उड़ पाता है। फूल कविता लिखने की प्रेरणा तो बनती है, लेकिन कविता तो बिना मुरझाए हर युग में अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। कविता बच्चों के खेल के समान है और समय और काल की सीमाओं की परवाह किए बिना अपनी कल्पना के पंख पसार कर उड़ने की कला बच्चे भी जानते हैं। तो इस कविता में मानवीय बिंबों के माध्यम से काव्य रचना प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। कविता में चिड़िया, फूल और बच्चे के प्रतीकों के माध्यम से बच्चे की रचनात्मक ऊर्जा की तुलना कविता रचना से की गई है। चिड़िया को उड़ान, फूल का विकास अपनी सीमा में आबद्ध है, परंतु कवि की कल्पना शक्ति एवं बालक के स्वप्न व ऊर्जा असीम है। साहित्य का महत्व प्राकृतिक सौंदर्य की अपेक्षा मानव के भाव सौंदर्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है कह सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं बात सीधी थी पर, तो इस कविता की अगर बात करते हैं तो इस कविता में भाव के अनुरूप भाषा के महत्व पर बल दिया गया है। कवि कहता है कि एक बार वह सरल सीधे कथ्य की या कथन की अभिव्यक्ति में भी भाषा के चक्कर में ऐसा फंस गया कि उसने कथ्य ही या अपना कथन ही बदल डाला। ऐसा लगता है जिस प्रकार जोड़ जबरदस्ती करने से कील की चूड़ी मर जाती है, तब चूड़ीदार कील को चूड़ी विहीन कील की तरह ठोकना पड़ता है। उसी प्रकार कथ्य के अनुकूल भाषा के अभाव में प्रभावहीन भाषा में भाव को अभिव्यक्त किया जाता है। अंत में भाव ने एक शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा कि तूने क्या अभी तक भाषा का स्वाभाविक प्रयोग नहीं सीखा? तो इस कविता में भाषा की संप्रेषण शक्ति का महत्व दर्शाया गया है। कृत्रिमता और भाषा की अनावश्यक पच्चीकारी से भाषा की पकड़ कमजोर हो जाती है। शब्द अपनी अर्थवत्ता है जो वो खो बैठता है। तो यही इस पाठ में जो बात सीधी थी पर इसका मुख्य उद्देश्य है कि कविता में भाव के अनुरूप भाषा के महत्व पर बल। वहीं अगर कविता के बहाने नमक पाठ की बात की जाए तो इसमें क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य की अपेक्षा मानव के भाव सौंदर्य की श्रेष्ठता पर बल देना कवि का मुख्य उद्देश्य जान पड़ता है। धन्यवाद।